का। बैजनाथ सिंह, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कैरम एसोसिएशन, महासचिव वाराणसी कैरम एसोसिएशन। किस तरह का आज यहाँ टूर्नामेंट आयोजन? ये स्वर्गीय दुर्गावती देवी की स्मृति में 13वीं बार ये टूर्नामेंट रेगुलर टूर्नामेंट 13 वर्षों से हो रहा है। इस बार का जो ये कार्यक्रम है हमारा, ये विशेष आयोजन है। ऐसा आयोजन उनकी स्मृति में नहीं हुआ था। इसमें हमारे वाराणसी कैरम एसोसिएशन के लोगों ने मिल करके निर्णय लिया कि इस टूर्नामेंट को हम लोग केवल सीनियर्स का नहीं रखेंगे, बल्कि इसमें इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स कराए जाएंगे बच्चों के। तो बच्चों के कुल 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 12 साल, 14 साल और 18 साल। इसके अलावा सीनियर्स के भी मैचेस इसमें होंगे, सीनियर बॉयज़ गर्ल्स के दोनों के, मतलब पुरुष और महिला। इस टूर्नामेंट की खूबी यह है कि इसमें 18 विद्यालय, वाराणसी के 18 विद्यालय के लगभग 200 बच्चे, 200 बॉय, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टूर्नामेंट आज से स्टार्ट हुआ है और इसका समापन 20 तारीख को होगा, 20th को, यानी 4 दिन का ये टूर्नामेंट है। और हमारा जो ये ओपनिंग सेरेमनी है, इसकी औपचारिक उद्घाटन हमारे वाराणसी कैरम एसोसिएशन के संरक्षक और उत्तर प्रदेश कैरम एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अंशु सिंह ने किया है, और इसका समापन डॉक्टर अशोक सिंह जी, जो हमारे ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो करेंगे। और इस टूर्नामेंट में हम लोगों ने एक नया अभियान जो शुरू किया है कि खिलाड़ी खोजो, बच्चों में से हम नई प्रतिभा को लाएंगे। हमारे वाराणसी की जो टीम है, ऑल इंडिया टूर्नामेंट में भी वाराणसी की बच्चियों ने बहुत बड़ा बड़ा कमाल करके दिखाया है। अभी हमारे बच्चे जूनियर नेशनल में गए थे, जिसमें कि हमारे यहाँ वाराणसी का एक लड़का अंडर 18 में आया, और उसके बाद पहला नंबर भी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बच्चे को मिला। कुल मिला के वाराणसी का कैरम, उत्तर प्रदेश का कैरम नित नई ऊँचाइयाँ छू रहा है, और हम इसमें आभारी हैं वाराणसी कैरम एसोसिएशन की अपनी टीम